fine. Today we are going to Murdeshwar from Gokarna. I hope aap logon ne mera Gokarna videos abhi tak dekh liya hoga. Murdeshwar is basically famous for Murdeshwar Temple, which is world's second tallest Shiva statue, and it is located in the northern Karnataka. So, do din Gokarna mein rehne ke baad abhi hum Murdeshwar ja rahe hain. Gokarna se Murdeshwar ka distance hai 80 km. Agar aap Bangalore se Murdeshwar aa rahe ho to 480 km, wahi 8 se 9 ghanta aapko lagega road by road. So, stay tuned. जस्ट रीच दैट मुर्देश्वर एंड वहाँ पे है मुर्देश्वर मेन टेम्पल एंड हमें आज रात के लिए कहीं पे रुकना था तो टेम्पल के एग्जैक्टली साइड में ही है ये RNS रेसिडेंसी. तो यहाँ पे हम एक रूम आज के लिए ले चुके हैं. आज हम पहले से कुछ बुकिंग करके नहीं आ रहे हैं इसीलिए हमें सी फेसिंग रूम नहीं मिला, बट इट्स ओके हमें बैक साइड रूम मिला. बट द रूम कॉस्ट इज 3000 रुपीज़ पर रूम फॉर वन नाइट. एंड यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड दिस इज़ द मुर्देश्वर मेन बीच. यहाँ पे एक नेत्रानी आइलैंड करके है जहाँ पे स्कूबा डाइव वगैरह होता है. अभी के लिए हम रूम चेक इन करते हैं, फिर थोड़ा खाना खाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं. ये है हमारा रूम RNS रेसिडेंसी में. रूम तो काफ़ी अच्छा है एंड दिस इज़ द बालकनी. ये सी फेसिंग नहीं है बट फिर भी सी यहाँ से दिखता है. नीचे एग्जैक्टली दिस इज़ द स्विमिंग पूल ऑफ दिस होटल एंड लुक दिस साइड. दिस इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. अभी हम होटल में खाना खा के बाहर जा रहे हैं. ये होटल मंदिर के एग्जैक्टली साइड में ही है इसीलिए यहाँ पे नॉनवेज और अल्कोहल नहीं मिलता है, बट थोड़े दूर जाओगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा. अभी हम जा रहे हैं बीच पे देखने के लिए क्या क्या वाटर एक्टिविटी हो रहा है. दैट्स द मुर्देश्वर टेम्पल. सो हियर वी आर एट मुर्देश्वर मेन बीच एंड that is the hotel RNS residency and it's crowded beach and there are a lot of water activity also happening here. So we got our boat for Netrani island going by this boat. Back from the island trip. It was not Netrani island. Netrani island is actually far. It's 20 km far from this place. So ये एक पास में छोटा सा island था जहाँ पे ये boat हमें घुमा के swimming करा के फिर से वापस ले आए आधे घंटे के अंदर. And the price is 200 rupees. Price is 300 rupees per head. And जहाँ पे हमने swimming किया वहाँ पे 50 फीट डीप था समंदर का और मैं फर्स्ट टाइम इतना डीप में समंदर में उतरी हूँ. इट वॉज क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आया. अब तो काफ़ी थक चुके हैं इसीलिए हम अपने होटल में जा रहे हैं. होटल इज राइट हियर. थोड़ा फ्रेश होके फिर से हम शाम को इस बीच से सनसेट देखेंगे. सो
Stay tuned. तो वो सी के अंदर स्विमिंग करके हमें बहुत मजा आया, बट हम काफी थक गए थे. सो वी वेंट टू आवर होटल रूम एंड थोड़ा टाइम रेस्ट लिए. देन अगेन वी केम टू दिस स्टैचू पार्क राइट बिहाइंड मी. दिस इज द सेकेंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू एंड इस साइड समंदर है. एंड इट्स 6 o'clock एंड इट्स गोइंग टू बी सनसेट आफ्टर 20 मिनट. और ये शिवा स्टैचू के चारों तरफ पूरा पार्क बना हुआ है और पूरा रास्ता भी है, आप अच्छे से घूम सकते हो. सो वी आर एट आरएनएस कैफे राइट नाउ एंड ये कैफे से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं यहाँ पे बैठ के सनसेट कैप्चर करेंगे. शिवा स्टैचू के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो बीच है वो काफ़ी क्राउडेड है, इसीलिए हम ये बीच थोड़ा खाली लगा इसलिए आए हैं. एंड लुक एट द व्यू. गुड मॉर्निंग गाइस. So right now I am at Murdeshwar and sadly this is the last day of our 4-day road trip to Gokarna, Murdeshwar and Jog Falls. तो मुर्देश्वर में हमारा सफ़र यहीं तक था, अभी हम निकल रहे हैं. Now time is morning 9 AM and look at the crowd in the beach. इतना भीड़ है यहाँ पे, वाटर एक्टिविटी होना भी शुरू हो गया. एंड दैट इज़ द टेम्पल एंड दिस इज़ आवर होटल आरएनएस रेसिडेंसी. आरएनएस रेसिडेंसी आई थिंक काफ़ी अच्छा था यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस. ब्रेकफास्ट यहाँ पे अच्छा था, डिनर एंड लंच वाज आल्सो गुड. और अगर आप ये जगह आना चाहते हो, यहाँ पे स्कूबा डाइविंग और स्नॉकलिंग भी होता है, जो कि आपको आई थिंक पहले से बुक करके आना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था तो अभी हमें स्लॉट नहीं मिला, जो कि होता है नेत्रनी आइलैंड में. यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, आपको वो लोग बोट में लेके जाएंगे. मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ. तो अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो तो देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया, आई थिंक यू कैन डू दैट. आई एम गोइंग टू मिस दिस प्लेस बट गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग हियर. मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि होगा हमारा इस ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन. गो स्टे ट्यून फॉर दैट प्लेस. बिफोर दैट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब. आई विल सी यू गाइज एट नेक्स्ट प्लेस. टिल देन बाय बाय.